यमी यमी यमी। हेलो एंड वेलकम टू खाने में क्या है। खाने में है क्या। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त चंकी पांडे। और हमारे शो को हुए 2 साल हो गए, 120 एपिसोड और हिंदुस्तान का कोना कोना छान मारा है हमने। राइट फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, नहीं गए कन्याकुमारी, ओह कश्मीर टू गोवा एंड बंगाल टू गुजरात। यस, हमारा शो सुपर डुपर हिट हो गया है और आप इसको इतना एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए हमने सोच लिया कि अब हम इस शो को थोड़ा अपग्रेड करेंगे। तो हमने डिसाइड किया, वो जो होस्ट होता था ना, क्या नाम था उसका, कुणाल विजयकर, उसको रिप्लेस करते हैं। एंड यू हैव आखिरी पास्ता नाउ होस्टिंग द शो। मम्मा मिया, आई एम जोकिंग। सर क्या हमारे पेट पर लात मार रहे हो आप? नहीं भाई, मैं आपके शो में आया हूँ अपना पेट भरने के लिए, लात नहीं मारने के लिए। तो वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। और हम हैं बांद्रा के रेस्टोरेंट बिंज में और चंकी पांडे के साथ हम आज खाना खाएंगे और पूछेंगे कि खाने में क्या है। क्या है? पहले बता, बिल कौन भरेगा? आई डोंट नो। You look so young. Is it true that you actually taught Akshay Kumar how to act? अरे बाप रे, of course. You know I'm on a seafood diet. Every time I see food I eat it. दे आये बस बस बस। कितना खिलाएगा मेरे को? वाह वो लोग मेरे कपड़े में मच्छी में धोते थे। I'm a joke here. तो हम बैठे हैं बिंज रेस्टोरेंट में जो बांद्रा में है, और इसकी खासियत ये है कि आपका रेस्टोरेंट है ये। आहा सेठ जी, हूँ यहाँ का, गल्ले पे बैठता हूँ। ओह वेलकम टू माय प्लेस द बिंज। थैंक यू। और मुझे जगह बहुत पसंद है, मालूम क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे खाने पीने के बाद यहाँ बिल नहीं भरना पड़ता है। ये हम देखते हैं, हमें भी शायद फ्री मील मिल सकता है। ये मैंने सुना नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं सुना। बट वैसे इस रेस्टोरेंट की क्या खासियत मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये रास्ते पे है, आखिरी पास्ता ऑन लिंकिंग रोड का रास्ता। यस, आप सुन रहे हैं कि पीछे ऑन गाड़ियों की आवाज। सो जस्ट लाइक द कैफेज इन पेरिस एंड लंडन, यहाँ आपको मौका मिलता है लिटरली ऑन द फुटपाथ बैठकर विद अ लिटिल प्राइवेसी Enjoy the beautiful food and the scenes of Bombay. तो ये है डक सैलेड, ये है सैमन रोल्स, कीमा पाव जो बम्बई का है, मुंबई का कीमा पाव। ओह बट मैं आपको बताऊं, एक रेस्टोरेंट होता था मेरे घर के कोने पे, उसका नाम था यॉट रेस्टोरेंट। यहाँ बांद्रा पे करेक्ट करेक्ट कैसे कीमा पाव मिलता है वहाँ अभी? मुझे लगता है ये टक्कर में आने वाला है उस कीमा पाव के साथ, लेकिन उसमें क्या मटन जाता था आज तक हमें कभी पता नहीं चला। बट इट वॉज एक्सलेंट कीमा पाव, आज भी वहाँ का कीमा पाव वर्ल्ड फेमस। वर्ल्ड फेमस, लेकिन इससे मुझे हम लोग इसको यॉट नहीं, याचेट, याचेट, बिकॉज़ स्पेल नहीं। लेकिन खीमा पाव से मुझे याद आया कि आपकी जो फिल्म तेजाब थी उसमें वो फेमस सीन है जहां आप ईरानी रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना मंगाते हो, और अब भी इतने सालों बाद भी ये सीन सबको याद है। माय गॉड, तो मैं आपको अब उसके पीछे राज बताता हूँ। वो जो फिल्म बनाई थी के उसका डायरेक्टर था मिस्टर एंशेंट, ये किस्सा उसके साथ हुआ था। इनफैक्ट उसके एक दोस्त ने किसी के साथ किया था ये किस्सा, तो इट वॉज अ रियल लाइफ इंसिडेंट। अब मैं आपको बताता हूँ, जहाँ मैं बैठता हूँ टेबल पे और मैं ऐसे ऐसे करने लगता हूँ, अगर आप एनचंद्रा को मिलेंगे तो वो भी जब सोचते तो ऐसे ऐसे करते हैं। और वो सीन मुझे इतना प्यारा लगा था, इनफैक्ट जब उन्होंने वो नरेट किया था मैंने बोला और कुछ मत सुना, मैं ये पिक्चर कर रहा हूँ। एंड यस, आई थिंक बच्चों को सीन आज भी बहुत ही पसंद है। यूट्यूब पे हमेशा वो टॉप पे आ जाता है, टॉप पे आ जाता है फनी सीन्स एवर। आज मेरे साथ अगर कोई ऐसे करे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। यू नो आई एम ऑन अ सी फूड डाइट, एवरी टाइम आई सी फूड आई ईट इट। वाह वाह वाह। ये जो जो आपका नाम है जो इतने सालों से सबकी जुबान पे है, चंकी पांडे, क्या आपके आधार कार्ड पे भी यही नाम है? बिल्कुल नहीं, इनफैक्ट मेरा रियल नाम है चंद्र आत्मा। I'm joking.
मेरा नाम है सुयश पांडे. सुयश मेरे सब स्कूल के दोस्त मुझे उसी नाम से जानते हैं. बट चंकी मेरा नाम जब मैं 2 महीने का था मेरा नाम चंकी रखा गया. मैं थोड़ा गोलू था चंकी पे. और मेरी दाई माँ थी जो मुझे संभालती थी हीरा करके उसने मेरा नाम चंकी रखी है. तो आई थिंक तब से ये नाम टिका मेरे साथ. लेकिन जब मुझे फिल्म की ब्रेक मिली तो पहलाज निलानी ने मुझे पहली फिल्म दी थी 1987 में. उन्होंने गोविंदा को ब्रेक दिया था और उसके बाद मुझे ब्रेक दिया उन्होंने. बट उनको मेरा नाम समझ में नहीं आया. नहीं सुयश तो उसको पता ही नहीं था. चंकी सब लोग मुझे घर में चंकी के नाम से जानते थे. स्कूल में सुयश होता था. बोले ये चंकी कितना अजीब नाम है. चलो तेरा नाम बदलते कुछ गोविंदा जैसे नाम रखते चंद्रमुखी या चंद्र आत्मा या ऐसे कुछ. तो मैं बड़ा रोने लगा. बड़ा ऐसे कह रहे भाई आप ब्रेक दे रहे हो आप मुझे कुछ भी बुला सकते हो. बंदर भी बुला लो. चंकी नहीं मंकी नाम रख बंदर. लेकिन फिर उन्होंने अपने बच्चों को पूछा एंड दे लाइक द नेम चंकी. बट ही हैड ही सजेस्टेड एनी नेम्स दैट यू चंद्रमुखी चंद्र आत्मा क्या क्या बहुत ही अजीब अजीब नाम. चंकी पांडे. चंकी पांडे वाज मच बेटर रिंग एंड इट्स नाउ इट्स जस्ट अ नेम दैट एवरीबॉडी नोस. थैंक यू. प्लीज 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 स्टार्ट. ओ और एक मैं और एक सामान खा. हां तो थोड़ा खिमा पाव टेस्ट करेंगे. 100% बोलते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री में अगर सुपरस्टार बनना है तो पहले वड़ा पाव खाना पड़ता है. सुपरस्टार बनने के बाद खीमा पाव खाना पड़ता है. दे ए बस 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 कितना खिलाएगा मेरे को. अरे खाएंगे. इधर मेरा कैटलिक डायलॉग ए बाबा शेवा बुच्चा बेकर बाग बुच्चा बेकर. या टू व्हिच स्कूल इन योर बैंड्रोन में St. Andrews, man. St. Andrews. What are you talking? What are you talking, man? But you know, on that one show, you're talking like the Catholic. Ladat, man. I'm from Masgow, man. I went to Masgow School, St. Mary's. Oh, you're St. Mary's? St. Mary's, yeah. They gave you top tea in the school? Top tea. And when you had a haircut, they gave you chicote. Chicote. By Bhima Pao's report, mind-blowing. Normally, Raste par khate ek Bhima Pao. Like, this fancy restaurant may be... Beautiful Bombay style khima pav. Oh, kamal ka yaar. Ek Nepali dish bhi hai. Hmm. I think we'll have to come and shoot one more episode here. I'm a joke. Nepali, yahan main hu. Maine ek picture ki thi apna sapna mani mani. Yes, famous hit. Oh, saab ji, kokri leke maur dalega. Aajkal conversation chalta hai ki mere pita bhi filmon mein the, meri maa bhi filmon mein thi. Nepotism hai, lekin aap के फैमिली का बैकग्राउंड पूरा डॉक्टर्स है. कोई फिल्म में था ही नहीं. तो ये कैसे हो गया आपको कभी पढ़ाई वीक थी? नहीं, नहीं, नहीं. पढ़ाई तो बहुत ही वीक थी. मैंने बहुत कोशिश की डॉक्टर बनने के लिए. इनफैक्ट ऑलमोस्ट बन गया. मेरे पास डिग्री आई MBBF. मैट्रिक में बार बार फेल. मैं हर क्लास में 2 साल रहता था. एक्सपर्ट हो गया था मैं. इनफैक्ट मुझे मैं बनने वाला था डॉक्टर किल मी क्विक. बिकॉज अगर मैं डॉक्टर बनता शायद हिंदुस्तान की आबादी आधी हो जाती. बट नहीं बन पाया. बहुत कोशिश की. आई ट्राइड. बिकॉज यू नो हर बच्चा फादर वर्शिप मदर वर्शिप करता है. सो इट इज वेरी नॉर्मल कि वो चाहेगा कि मैं वो करूँ जो मेरे पेरेंट्स करते हैं. बट इट्स नॉट पॉसिबल बॉस. बीइंग अ डॉक्टर वेरी वेरी सीनियर डॉक्टर्स. फादर वॉज अ हार्ट सर्जन. यस Family business. भाई मैं हार्ट तोड़ता था वो रिपेयर करते. सो जब अनन्या बड़ी हो रही थी शी वॉज वेरी गुड इन स्टडीज एंड वी ऑल थॉट कि ये डॉक्टर बन जाएगी. बिकॉज बोलते हैं ना कभी कभी इट स्किप्स वन जनरेशन. नेक्स्ट जनरेशन में बच्चा वो डॉक्टर बन जाता है या इंजीनियर बन जाता है. और मुझे लगता है 14 साल की उम्र तक या 12 साल की उम्र तक शी वॉन्टेड टू बिकम अ वेटरनेरियन. चंकी पांडे को बोलते है अनन्या के डैडी. वेरी गुड. अभी देखो क्या मैं अभी आईफा अवार्ड में गया था. मैं भावना का +1 बन के गया था. पिछले साल मैं अनन्या का +1 बन के गया था बिकॉज शी वॉज परफॉर्मिंग और उसको अवार्ड मिलने वाला था. ये साल बॉलीवुड वाइज वर इनवाइटेड और मैं भावना का हस्बैंड बन के गया. अब शायद नेक्स्ट ईयर मैं अपनी बेटी राइसा के लिए जाऊँ एज +1. बट आई एम एंजॉयिंग इट. लेडीज आर वेरी लकी फॉर मी
and I'm very proud of them. I know. It must be such a great sense of pride. Yes. To be called your daughter's father, you know? Yes. After all. Yes. हम एक बता दे लोगों को कि हम एक फिल्म में काम कर रहे हैं साथ में और हम आउटडोर पे थे और आउटडोर पे हम दोनों और हमने काफी खाना मंगाया बाहर और महाराष्ट्र के विलेजेस में जाके खाना मंगाया, याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बाप रे डब्बे भर भर के आते थे, क्या खाना आता था वहां से। आई वांट टू गो बैक देयर अगेन। पिक्चर का नाम है विजय 69, विजय अनुपम है, 6 मैं हूं और 9 ये है, तो हम तीनों टाइटल रोल है विजय 69। चलो प्लग इन करते हैं ना, चलो चलो करते हैं। विजय 69 इज अ फिल्म, इज वेरी गुड फिल्म, यशराज फिल्म्स की फिल्म है और स्टारिंग चंकी पांडे, अनुपम खेर और एक छोटे से रोल में मैं भी हूं। वेरी गुड रोल में, ये मैक एंड चीज थोड़ा सा मेरा फेवरेट है, फेवरेट है। इनफैक्ट ये मेरे वाइफ का फेवरेट है मैक एंड चीज। मेरी वाइफ को सब जो खाने में ज्यादा फैट होता है उसको बहुत पसंद है। सबको फैट पसंद है, मुझे भी, और मैं भी मैक एंड चीज देने वाला हूँ। लेकिन मैक एंड चीज का मतलब ये है पास्ता, पास्ता का मतलब है आपकी, आपका फेमस कैरेक्टर जो आपने अभी किया 4 फिल्मों में किया आखिरी पास्ता। हाँ जी, हाउसफुल फ्रेंचाइज में है आखिरी पास्ता। तो मैं आपको सुनाता हूँ इसका इंस्पिरेशन हो गया। हाँ, साजिद भाई, साजिद खान, करेक्ट, मुझे मिले थे एक पार्टी में और मुझे कहने लगे, यार मैं एक फिल्म बना रहा हूँ हाउसफुल और एक कैरेक्टर है, तब कैरेक्टर का नाम भी नहीं रखा था। सब चाह रहे कि अक्षय, ये सब चाह रहे कि मैं वो रोल करूँ, साजिद खान वो रोल करें। बोला चंकी मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझे फिल्म डायरेक्ट करनी, तू करेगा रोल? आई सेड व्हाई नॉट। एंड फिर साजिद खान, साजिद नडियाडवाला ने ये कैरेक्टर बनाया, उसका नाम रखा आखिरी पास्ता। अभी इंस्पायर कहाँ से हुआ? नॉट फ्रॉम पास्ता। हम लोग सब अमिताभ बच्चन जी के फैन हैं एंड उनकी एक पिक्चर थी आखिरी रास्ता, तो रास्ता से आया पास्ता एंड साजिद लव्स राइमिंग थिंग्स। और जो कैरेक्टर था, एक अमिताभ बच्चन जी की और एक फिल्म थी जिसका नाम था ग्रेट गैम्बलर, उसमें सुजीत कुमार ने एक रोल किया था मार्कोनी। तो हमने मार्कोनी को नया रूप देकर, उसको नया जन्म देकर बनाया आखिरी पास। और वो जो मैनरिज्म्स है वो मार्कोनी मार्कोनी, तो वो सब आ गया। वैसे इटली पहुंच के तो हम आधे इटालियन बने गए। बट ये जो आखिरी पास था, बड़ी बड़ा अजीब कैरेक्टर है, बिकॉज ही इज गॉट द लाइसेंस टू थ्रिल, कुछ भी कर सकता है, बोल सकता है जो होगी। तो बात करते करते पहले ही सीन में मैं थोड़ा पठान बन गया। तो पूछता ना अक्षय, अरे तू तो इटालियन था भाई, ये कहाँ से बोल रहा? वल्ला वल्ला, मेरी पैदाइश काबुल की है। पास्ता इज अलाउड टू डू एनीथिंग, या सो ही इज गॉट द लाइसेंस टू थ्रिल। आई लव दैट कैरेक्टर। और मैं, होपफुली इट विल बी रेजरेक्टेड टू मी। यस, हाउसफुल 5 बनने वाली है, दैट्स व्हाट इवन आई हैव हर्ड। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर साजिद खान, साजिद नडियाडवाला टू रिपीट मी इन ऑल द फ्रेंचाइज एंड गिव मी सच अ ग्रेट रोल। बट ये रोल के पीछे अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, ऑल द को स्टार्स का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन, सपोर्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन, जॉनी लीवर का भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज ये है इतना प्यारा कैरेक्टर कि जब भी हम सेट पे होते थे ना किसी का सजेशन आता था, भाई तू ये बोल दे वो बोल दे, सो आई कांट टेक एनी क्रेडिट। But the fact is that there is not a single role in the film industry which has happened 4 times. 4 times. Oh, think about it. Mama, it's not joking. No, I'm not. चेंबूर में एक रेडी वाला है जो एक काउंटर पे चाइनीज बेचता है और दूसरे काउंटर पे इटालियन बेचता है, और उसका मोस्ट हॉट सेलिंग डिश आखिरी पास्ता। अब मैंने किसी को भेजा ये ट्राई करने के लिए आखिरी पास्ता, मेरा दोस्त चला गया था वहाँ, कमाल का पास्ता। पता है क्यों? क्यों? बिकॉज उसने दुनिया के सब पास्ता मिक्स करके आखिरी पास्ता बनाया। इट इज गॉट चाइनीज सॉस, इट्स गॉट इटालियन सॉस, थोड़ा इंडियन मसाले भी डाले हैं, और पूछो क्या मत नहीं, क्या नहीं डाला है उसने, बट इट्स द मोस्ट टेस्टिंग। बोलते ना आखिरी में फाइनल पास्ता, ये पास्ता के बाद या तो आपकी मौत होगी या फिर आप और कोई पास्ता कभी नहीं खाएंगे लाइफ में, बिकॉज दैट इज आखिरी पास्ता। लेकिन उसका मतलब है कि वो आखिरी पास्ता इज लाइक हाउसफुल, सब इंग्रेडिएंट्स है उसमें। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो मजा आता है खाना देखने में जब वो पक रहा है, दैट इज टू मच फन। जैसे कि याद है बचपन में हम लोग भाजी पाव खाने जाते थे, तो सामने बताना था, बटर डालता था, ओ माय गॉड, इट वाज लाइक एक्सटेटिक यार। तो लाइव काउंटर, लाइव फूड, बहुत मजा आता है। तो कॉलेज में और स्कूल में और जब आप फ्रेंड्स के साथ जाते थे यंग, अरे मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ खाते थे, कहाँ कहाँ, मीन्स 3-4 होटल होते थे जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, जहाँ हम लोग की एंट्री बनती, तो वहाँ सैटरडे संडे बुफे होता था, और मैं इतना खाना डालता था बुफे में
कि मेरी शक्ल नहीं दिखती थी आगे वाले, कैसे बात करना पड़ता था, और वो पूरा खत्म करके फिर से जाके लाते थे सेकंड हेल्प में। तो याद है मैं पूनम इंटरनेशनल होटल के बुफे में हम लोग बैन थे, हम लोग अलाउड नहीं थे, बिकॉज 110 रुपए में सब कुछ मिलता था खाने में। इंडियन खाना तो सबको पसंद है। वर्ल्ड का सबसे फेमस क्विजीन, अगर आप मुझे पूछो वर्ल्ड का सबसे फेमस क्विजीन है गुजराती खाना। आई लव गुजराती खाना। और मुझे क्या है ना, मुझे लोगों के घर पे जाके खाने में बहुत मजा आता है। पहले तो बिल नहीं भरना पड़ता है, फ्री में होता है। किसी के घर से जब डब्बा आता है शूटिंग में तो पहले मैं टूट पड़ता हूँ, मेरे को पता है बहुत ही हाइजीनिक होगा, फिर प्यार से बनाया होगा उसके लिए तो टेस्ट होगा ही उसमें, बिकॉज खाने को प्यार से बनाना बहुत जरूरी है। वो मीठी दाल, उनका वो द राइस, द रोटलास, खिचड़ी, रोटली, शाक शाक, एंड फिर वो आलू की सब्जी। तो इनफैक्ट अभी बीच में हम लोग सब अनुपम जी के साथ शूटिंग कर रहे थे और हम वो पता चला ब्रेक है और पास में एक गुजराती रेस्टोरेंट है, तो हम सब वहाँ चले गए। आई थिंक ऑल ऑफ गुजरात हैज अ ग्रेट फूड, बट आई थिंक ओवरऑल इंडिया में क्या क्या चॉइस है खाने का। नो कंट्री इन द वर्ल्ड लाइक इंडिया, यू सी द केरला, तमिल, गोवा, ओडिशा में, बंगाल, ओ ओ बंगाली फूड। एंड यू हैव वर्कड इन बांग्लादेश व्हिच इज अ वेरी डिस्टिंक्टली डिफरेंट क्विजीन फ्रॉम वेस्ट बंगाल। Completely different. Boss, every time मैं बांग्लादेश जाता था ढाका, मैं 5 किलो पुट ऑन करके आता था। वहाँ वो लोग मेरे कपड़े में मच्छी में धोते थे। I'm a joking. क्या खाना होता था? एक दिन मैं उनको बोला मैं वेजिटेरियन हूँ। बोला आपके लिए दादा वेजिटेरियन खाना लेके आएगा। वहाँ एक टिंडला आया। टिंडला होता ना? टिंडला मराठी में। तो ये उठाया टिंडले को, ये बाइट किया। अंदर से प्रॉन निकला। दादा फ्राउंस एंड लोबस्टर इज वेजिटेरियन। प्राउन वेजिटेरियन ऑल फीस। बट बहुत प्यार करते बांग्लादेश के लोग, बंगाल के लोग टोटली, आई मीन वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, इतना लव करते हैं, इतना प्यार देते हैं। आपको बहुत प्यार किया। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम देम एंड ओवरऑल दे वेरी गुड कुक्स। उनको खाने का बहुत नॉलेज है। आप लगते नहीं, आई मीन उमर से, ओके, यू लुक सो यंग। इज इट ट्रू दैट यू एक्चुअली टॉट अक्षय कुमार हाउ टू एक्ट? अरे बाप रे, ऑफ कोर्स। इनफैक्ट मैं अब बात कर रहा हूँ 1986-87 में। मैं मधुमति डांस एकेडमी में था, जहाँ डांसिंग, फाइटिंग, एक्टिंग सब सिखाया जाता था। जब मैं पास आउट कर रहा था वहां से, तो अक्षय कुमार उस कॉलेज में एंटर कर रहा था। 87 बहुत यंग था वो, वैसे कुछ 5-6 साल छोटा था, 7-8 साल। वहाँ रिवाज होता था कि जब आप स्कूल में आए तो टीचर कुछ नहीं सिखाती, पहले सीनियर स्टूडेंट्स जूनियर्स को सिखाते हैं। तो मैंने उसको अच्छी डायलॉग बाजी, कुछ डांसिंग वांसिंग स्टेप्स वेप सिखाए, बट मुझे 100% पता था कि ये लड़का स्टार बनेगा। बने वाला है वो, पता चलता है, देखने में पता चलता है। ही हैड समथिंग अबाउट हिम, यू नो दैट एक्स फैक्टर। एंड ऑफकोर्स सुपर स्टार, ये कितना बड़ा स्टार किसी ने सोचा भी नहीं था। बट नहीं बट अक्षय कुमार आज भी बोलता है लोगों को कि जो पहले 5 साल में जो उसने एक्टिंग की, वो सब मेरी वजह से की और वो फिल्में चली भी। तो फिर उसने डिसाइड किया मैं वो सब चंकी पांडे की एक्टिंग भूल जाता हूँ, नई एक्टिंग शुरू की, फिर वो अक्षय कुमार बन गया। सुपर डुपर एटलीस्ट हैप्पी कि वो एक्नॉलेज कर रहा है। और हाउसफुल में आपके साथ एक और को स्टार था, बमन ईरानी। ओ बमजी। और मैंने सुना है कि अब ये जो विजय 69 फिल्म का शूटिंग था दादर पारसी कॉलोनी में, अनुपम ने फोन करके उसके घर से ब्रेकफास्ट, घर से अकोरी ऑन टोस्ट मंगाया। अरे बाप रे बाप, क्या अकोरी था! मैंने वो अकोरी को ब्रेकफास्ट में खाया, फिर लंच में खाया, फिर डब्बा मार के घर भी लेके गया, डिनर पे भी खाया। आई लव एग्स एंड आई मीन अकोरी का हक सिर्फ पारसी लोग को है बनाने के लिए। मैंने अपने कुक को बहुत सिखाया, यूट्यूब से बहुत कोशिश की, बट वो आता ही नहीं है जो वो कर सकते, और काफी टाइम लगता है उनको बनाने के लिए। तो वो बमन के घर के अकोरी का के दो सीक्रेट है। एक तो पूरा फ्राइड अनियन यूज करते हैं उसमें, वो तला हुआ ब्राउन अनियन, और दिस बहुत धीरे धीरे पेशेंस से बनानी पड़ती है, तो वो फट जाता है अंडा, इसलिए इतना टेस्टी है। तो अभी आपकी जो सेकंड इनिंग्स चल रही है, इफ आई मे कॉल इट दैट, यू नो, बहुत इंटरेस्टिंग चल रही है ना, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हो रहे हैं। तो जब मैं 80s में जब मैं हीरो था, अभी भी आप हीरो ही हो लगता हूँ, हीरो लग रहे हो,
ये सब लिमिटेड चीजें करनी पड़ती थी. आई टू बी वेरी नाइस, कनेक्ट टू द हीरोइन, मेरे माँ के साथ बहुत अच्छा रहना पड़ता था. आई टू बी नाइस टू द पीपल बिकॉज हीरो ऐसे ही करता था. बट अब जब मैं कैरेक्टर्स करने लगा हूँ, ओह आई कैन बी अ बैड पर्सन, यू कैन डू एनीथिंग, विलन. मैं विलन्स के रोल कर रहा हूँ, कॉमेडियन के रोल कर रहा हूँ, फादर के रोल कर रहा हूँ. आई एम एंजॉयिंग इट एवरी डे. जब मैं उठता हूँ, आई एम अ न्यू कैरेक्टर एवरी डे. एब्सोल्युटली. तो यस, दिस इज अ वेरी गुड फेज ऑफ माई लाइफ. और जस्ट लाइक माई यंगर डॉटर, आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट. मैं अपने बाल कभी सेम नहीं रखता हूँ फिल्म में, मैं कभी अपना लुक सेम नहीं रखता हूँ. मैं कोशिश करता हूँ मैं अलग स्टाइल में बोलूँ हर फिल्म में, बिकॉज वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, एंड विच अ हीरो कैन नेवर डू रियली, विच अ हीरो कैन नेवर डू. उसकी लिमिटेशंस होती है. लेकिन हाँ, आई मीन नाउ हीरोज हैव स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग. बट ये जो मैं कैरेक्टर्स ऑफ फिल्म, जब मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ तो पूरी फिल्म इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी. ट्रू ट्रू. और मैं जब मैं कभी स्क्रिप्ट सुनता नहीं, मैं खाली मेरे सीन सुनता. और बोलते ना, पूरे फिल्म में अगर एक भी सीन अच्छा हो ना, पीपल शुड कम. हाँ, करनी चाहिए, बिकॉज व्हेन पीपल लीव द थिएटर एंड दे कम आउट, दे कांट रिमेंबर द होल फिल्म. उनको तीन चार सीन याद रहेंगे पूरे फिल्म में. और अगर आपको तीन चार सीन में एक सीन लिया तो खत्म, बात फिनिश, गंगा ना लिया. अब आखिरी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपको, ये बिल के बारे में नहीं है क्वेश्चन. हाँ, लेकिन आपके नाम से जुड़ा हुआ एक चाट मसाला भी है. क्या आपको पता है आपको कुछ कमीशन मिलता है वहां से, रॉयल्टी मिलती है कि नहीं? चंकी चाट मसाला. चंकी चाट मसाला बाय MDH. यस यस. इनफैक्ट जब मैं 87 में आया था फिल्मों में, इस सेम ईयर में चंकी चाट मसाला लॉन्च हुआ. आर यू सीरियस? और फिर मैंने सोचा यार मैं केस करके जीत भी जाऊंगा, लेकिन फिर इमिजिएटली लॉन्च हुआ चंकी किटकैट. करेक्ट. यस यस. तो फिर मैं बोला इंडिया में भी नाम मार रहे और अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी नाम मार रहे. आई थिंक इट्स अ कॉम्प्लीमेंट. अगर कोई आपका नाम यूज करे किधर, आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट. And of course, MDH makes some of the best masala. मैंने उनका पास्ता मसाला का ऐड किया है. Really? और एक कमाल का पास्ता मसाला बनाते हैं. Because क्या फ्लेवर है उसमें. अभी मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं वाकई बता रहा हूँ. मुझे याद है जब हम वो पास्ता मसाला की शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने डिशेज बनाए थे, मैं कुछ 5 डिश खा गया उसमें. चंकी सर, थैंक यू वेरी मच. इट वॉज सच अ जॉय चैटिंग विद यू, टॉकिंग टू यू, ईटिंग विद यू इन योर ओन रेस्टोरेंट. थैंक यू, थैंक यू. बिल कौन भरेगा? एक मैं बिल मंगाता हूँ. डोंट टेक टेंशन. मंगाते हैं. एक मिनट, बिल. फिलहाल हाँ, माय एडवाइस इज जरा पहले बिल चेक कर ले. चेक कर लूँ फिर भरते हैं इसको. हाँ, चेक कर. ओके. कहाँ गए? अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज राइट टू अस, सब्सक्राइब, कमेंट, और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है. कहाँ गए? है क्या यार, रियली गए? पता है किसी को? हमारे शो को हुए 2 साल हो गए, 120 एपिसोड, इंडिया का कोना कोना छाप मारा. छाप मारा? छाप मारा. छाप मारा. ओके, मेबी विल डू वन मोर. Sir, I'm looking like those 70s actors, you know, with the long 70s hero. Yeah, with the shirt also, nice, colorful, retro. Wait. Very good. Roll. Chalo, roll kare. Rolling, Pramod. Rolling. एक मिनट में हाथ. अच्छा, मैं इसमें हाथ साफ कर सकता हूँ? हाँ. कर. कुणाल, देखो भी चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ. तूने उंगलियाँ चाटी क्या? नहीं. लेके जा.